हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। यहाँ हम अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, होम रेमेडीज, डाइट और लाइफस्टाइल हैक्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के बारे में आप सभी जानते हैं। ओव्यूलेशन एक समय है जो पीरियड के बाद आता है, आपके मासिक चक्र के बीच के दिनों में, 30 दिन के साइकिल में 14 से 16 दिन के बीच में होता है। इस समय महिला के ओवरीज से अंडा रिलीज होता है और 24 घंटे जीवित रहता है और उस समय गर्भधारण की संभावना मैक्सिमम होती है। ये सारी बातें अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो जानते ही होंगे, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं ओव्यूलेशन से रिलेटेड जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि ओव्यूलेशन के समय बहुत सारी महिलाओं को नौजिया फील होता है, वॉमिटिंग फील होती है, पेट में एक तरफ या तो दाईं तरफ या तो बाईं तरफ दर्द महसूस होता है, मूड स्विंग फील होता है, हल्का फेवरिश लगता है, पेट में क्रैम्प होते हैं, कई महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग आती है। ये सभी चीजें ओव्यूलेशन के लक्षण होते हैं। लेकिन हल्का फुल्का पेन होना जो कि 4-5 घंटे से लेके 48 घंटों तक भी हो सकता है सामान्य, लेकिन कई महिलाओं को अगर ओव्यूलेशन के समय बहुत ज्यादा हॉरिबल पेन, जिसको कहते हैं, जिसमें कि वो बहुत ज्यादा असहज हो जाती हैं, रूटीन वर्क भी नहीं कर पाती, अगर ऐसा है तो ये क्यों है? क्या इससे गर्भधारण पॉसिबल नहीं होगा या ये किसी कॉम्प्लिकेशन को बताता है? इसका समाधान क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इसका कारण। कई महिलाओं को कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट हो सकती है। कई बार अगर एग रिलीज नहीं होता, ओवुलेट नहीं होता, तो वो जमा हो जाता है ओवरीज में और वो सिस्ट बन जाता है, रप्चर नहीं हो पाता है अगर एग, तो सिस्ट का फॉर्म ले लेता है और ओवुलेशन में आगे चल के वो काफी पेन क्रिएट करता है। तो सबसे पहला रीजन है सिस्ट हो जाना ओवरीज के अंदर। दूसरा रीजन है कि एंडोमेट्रियल ग्रोथ। कई बार हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से एस्ट्रोजन का जो डोमिनेंस होता है उस कंडीशन से, और कई रीजन होते हैं एंडोमेट्रियल ग्रोथ के, 3 तरह की लेयर्स होती हैं, तीनों लेयर में अलग अलग तरीके से ग्रोथ होता है यूट्रस की। एंडोमेट्रियल ग्रोथ अगर ओवरीज के आसपास हो जाता है, किसी तरह की ग्रोथ हो जाती है, तो उस वजह से भी आपका ओव्यूलेशन के समय बहुत ज्यादा पेन झेलना पड़ता है। तो उसको दूर कैसे करें? तो ये सिस्ट और एंडोमेट्रियसिस की प्रॉब्लम होती क्यों है जिसकी वजह से आपको ओव्यूलेशन में इतना ज्यादा पेन होता है, तो उसका रीजन समझेंगे। उस रीजन को दूर कैसे करना है, अपनी डाइट से, अपने तरीके से, घर में बिना मेडिसिन के, वो भी जानेंगे। सबसे पहली बात कि अगर आपके हार्मोन इंबैलेंस है, हार्मोनल इंबैलेंस हर महिला को होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, कोई जल्दी समझ जाते हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जीवन में अप एंड डाउन होता ही है। कभी आप बहुत बिजी होते हैं, मैसी रूटीन हो जाता है कुछ समय के लिए, तो आपकी डाइट, आपकी स्लीप साइकिल, आपका सब चीज डिस्टर्ब हो जाता है, तो हो सकता है कि हार्मोन इंबैलेंस हो जाए। वुमन बॉडी तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ऐसे में हमें ठीक कैसे करना है उसको। कई बार आपकी डाइट ऐसी है जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट कम है, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो उसकी वजह से प्रोटीन ही अच्छे से नहीं ले रहे हैं आप, तो आपके हार्मोन उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स में बढ़ोतरी हो सकती है, तो इससे हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर का इश्यू हो सकता है, कई किन्हीं लोगों का जो इंसुलिन हाई रहता है, तो ऐसे में भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारे रीजन। अब हम बात करते हैं समस्या के समाधान की, आपको अब क्या करना है उसकी बात करेंगे। आपको 3 तरीके बताऊंगी जो कि बहुत आसान है, रोज कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत बिजी रूटीन में भी उसको कर पाएंगे। सबसे पहली चीज है डाइट में आपको 2-3 चीजें बदलनी है, अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐड करनी है। आपको डेली रात को 4 बादाम आलमंड्स भिगोने हैं, सुबह छिलका उतार के पहले उनको खा लेना है। अगर कुछ और आप नहीं लेती हैं कोई ड्रिंक, तो आप उसको सुबह सुबह ही खा लीजिए, अदरवाइज जब भी आपको भूख लगती है तब आप उसको खा सकती है। दूसरी चीज है एप्पल सिडर विनेगर। एप्पल सिडर विनेगर डेली मैक्सिमम 2 चम्मच आप ले सकती हैं। आप एक बार में 2 चम्मच ले लीजिए या 2 बार करके 1 चम्मच करके पानी में ऐड करके लीजिए, लेकिन जब आप एप्पल सिडर विनेगर लेती हैं तो उसके बाद आप कम से कम 30-40 मिनट का गैप रखें कोई भी मील लेने में, तो एप्पल साइडर विनेगर भी आपकी हेल्प करने वाला है, क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिशन होता है, वो आपकी गट को भी ठीक रखता है, आपकी क्रेविंग्स पे भी कंट्रोल करता है। फ्लैक्सीड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो फ्लैक्सीड का पाउडर 1 हफ्ते के लिए एक छोटे डब्बे में बना के रख लें, गुनगुना पानी करें उसमें घोल के और उसको आप पी लें। फ्लैक्सीड का पाउडर लेना इसलिए जरूरी है, इसको साबुत लेने से इसका जो ऊपर का छिलका होता है वो अच्छे से नहीं अगर चबाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए पाउडर के फॉर्म में पानी में घोल कर पिए इसको। अदरक और हल्दी, जिंजर एंड टर्मरिक अ वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी इन स्पेसिफिक कंडीशन।
तो अदरक और हल्दी की आप चाय ले सकती हैं दिन में एक बार, खास तौर से जब आपको ऐसा पेन महसूस होता है तब भी ले सकती हैं और पीरियड के बाद भी ले सकती हैं। जिंजर टर्मरिक वगैरह पे मेरे अलग अलग से भी कई वीडियोस हैं जिनको मैंने अलग अलग कंडीशन में लेने के लिए तरीके बताए हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। इप्सम साल्ट बाथ कैसे लेना है, उसमें फूड सोकिंग कैसे करना है, इसमें मेरा वीडियो है। इप्सम साल्ट में भी काफी न्यूट्रिशन होता है, तो जब आप अपने पैरों को उसमें डिप करते हैं या बाथ लेते हैं, अगर आप बड़ा टब हो घर में तो आप अपने बॉडी को सोक कर सकते हैं उस पानी में, तो सॉल्ट में जो मिनरल्स होते हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो ऐसा रेगुलर करने से भी आपको फर्क पड़ता है सिस्टम में। ये बड़े प्राकृतिक बेहतरीन तरीके जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं कि एक्सट्रीम पेन हो रहा है तब एलिमेंट खाने से तो आराम नहीं होगा तुरंत से, क्या करें? तो ऐसे में हीटिंग पैड गर्म पानी बॉटल में भरकर आप उससे अपने पेट की सिकाई कर सकते हैं। जिस रीजन में पेन हो रहा है उस पर 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक आप सिकाई कर सकते हैं, इससे इंस्टेंटली आराम होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और जो क्रैम्पिंग है वो शांत हो जाती है। तीसरी चीज एक्सरसाइज, जो महिलाएं नियमित एक्सरसाइज करती हैं उनके हॉर्मोन्स लगभग बैलेंस रहते हैं, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, अप एंड डाउन नहीं आता, तो एक्सरसाइज अगर आप करती हैं, लैग अप वॉल करती हैं, बटरफ्लाई आसन करती हैं, कई प्राणायाम है जैसे कपाल भाति भस्त्रिका एक्सरसाइज, इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। डाइट और एक्सरसाइज अगर कंबाइन कर देते हैं तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है, कंप्लीट थेरेपी है, मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मेडिसिन तभी लिए जाने चाहिए जब इमरजेंसी हो। तो ऐसे में इन 3 टिप्स को फॉलो करके आप अपने ओवुलेशन रेगुलेट कर सकती हैं, आप अपने हार्मोनल इंबैलेंस दूर कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप इन्हें यूज करने का तरीका भी समझ गए होंगे। आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं, वहां पे भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां मैं शेयर करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।